शहर में एक बार फिर दिन दहाड़े वृद्ध के साथ ठगी का मामला सामने आया है। तीन युवकों ने नकली पुलिसकर्मी बनकर वृद्ध को बातों में उलझाया तथा उसके पहने सोने की अंगूठी उतरवा ली तथा उसे एक कागज की पुड़िया में बंद करवा कर डिग्गी में रखवाया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो पुड़िया में केवल कंकड़ पत्थर थे। वृद्ध वापस लौटा तब तक युवक वहां से जा चुके थे। पुलिस ने सूचना पर पहुंच कर मौका मुआयना किया। पीड़ित ने सिटी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार आदर्श नगर गली नंबर 3 निवासी 73 वर्षीय महेंद्र पुत्र कैलाश चालान बाजार से घर लौट रहे थे। इस दौरान अमरकुंज के समीप युवकों ने उसे रुकवाया तथा बातों में उलझाया। उन्होंने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए फर्जी आईडी बताते हुए कहा कि आगे मर्डर हो गया तथा हम तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने वृद्ध को बातों में उलझा कर कहा कि आप इस तरह ज्वेलरी पहनकर नहीं घूमे। इतना कहते हुए उन्होंने वृद्ध के पहले 2 तोला सोने की चैन अंगूठी आदि उतरवा कर एक पुड़िया में बांधा तथा उसे स्कूटी की डिक्की में रखवा दिया। वृद्ध युवक की बातों में आकर घर की ओर चला गया तथा घर जाकर डिक्की से पुड़िया खोली तो पाया कि सोने की ज्वेलरी की जगह कंकड़ थे। वृद्ध वापस मौके पर पहुंचा लेकिन युवक वहां से चंपत हो गए थे। पीड़ित की सूचना पर सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया तथा पीड़ित की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ ये हुई कि मैं बाजार से आ रहा था, 2 आदमी मोटरसाइकिल से पीछे से आए। उन्होंने कहा कि आज मर्डर हुआ है, आपको पता नहीं कि अखबार नहीं पढ़ते? मैंने नहीं पढ़ा होगा। ये बातें हुई, फिर उसने कहा कि आप ये चैन और ये अंगूठी खोल कर रख। फिर उसने चैन अंगूठी, मैंने मना किया तो सामने से एक आदमी आया भाटी की तरफ से, उसके गले में ऐसी चैन लटक रही दिख रही थी और अंगूठी थी। उसको भी कहा तो उसने तो खोल के दे दी। उन्होंने देख कर एक कागज में लपेट उसको वापस दे दी, मैंने भी दे दी। फिर उसको देख के उसने कागज में लपेट के कहा लो, मैंने कहा मुझे दे, नहीं नहीं मैं पीछे डिग्गी में डालो, चाबी ले डिग्गी में। और दूसरे आगे वाले दोनों आदमियों ने मुझे बातों में कहा आप टेंशन मत लो, टेंशन लो। और उसने उसमें पत्थर की पुड़िया डाल दी और वो पुड़िया जेब में डाल के ले गया।